नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा एकेडमी की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो अभी फॉर्म भरे गए हैं, भाई कितने फॉर्म भरे गए हैं और इसका एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो दोस्तों, वह सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ हेडलाइन जो दी हुई है, यहाँ पर 24 लाख से ज़्यादा आए सिपाही भर्ती के आवेदन। तो जी हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल सही बात है कि जो अभी यूपी पुलिस में कांस्टेबल की वैकेंसी निकली थी, जिसके फॉर्म यहाँ पर 19 जनवरी से 8 दिसंबर तक भरे गए थे, उसमें 24 लाख से अधिक यहाँ पर आवेदन आए हुए हैं। तो दोस्तों, इस आर्टिकल को जो कि यहाँ पर दिया हुआ, यह अमर उजाला का न्यूज़पेपर है, वह लखनऊ में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, इसको डिटेल से अपन यहाँ पर देख लेते हैं। दोस्तों, इसमें कहा गया है कि भर्ती बोर्ड को 27 से 30 लाख आवेदन आने का अनुमान था, लेकिन इतने नहीं आए। दोस्तों, इसमें कहा गया है कि सिपाही भर्ती 2018 के 49,568 पदों के लिए लगभग 24,61,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। ठीक है, पोस्ट कितनी है, 49,568, और यहाँ पर आवेदन किया है 24,61,000 विद्यार्थियों ने यहाँ पर आवेदन किया है। दोस्तों, इसमें से 20 लाख अभ्यर्थियों ने फीस भी जमा कर दी है। दोस्तों, यानी कि अभी 4 लाख ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने फीस सबमिट नहीं की है। ठीक है दोस्तों, वही उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पुनोत्तरी बोर्ड को 27 से 30 लाख आवेदन आने का अनुमान था, लेकिन वह अनुमान उनका गलत निकला। केवल यहाँ पर कम से कम 5 से 6 लाख आवेदन कम आए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं आगे। तो दोस्तों, भर्ती बोर्ड ने आरक्षी, नागरिक, पुलिस के 31,360 पदों पर व PAC आरक्षी के 18,208 पदों के लिए 19 नवंबर से 8 दिसंबर के बीच यहाँ पर आवेदन मांगे थे। ठीक है, जिसकी दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन फीस जमा करने के लिए 8 दिसंबर, ठीक है, ऑनलाइन फीस जमा करने की तिथि 8 दिसंबर थी, और ऑफलाइन या ई चालान से फीस जमा करने की दिनांक थी 10 दिसंबर। ठीक है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर लगभग 2 लाख विद्यार्थियों ने यहाँ पर फीस सबमिट नहीं की है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सूत्रों का कहना है कि इन पदों के लिए लगभग 24,61,000 लोगों ने आवेदन किया है, और 10 दिसंबर तक फीस जमा करने के बाद बोर्ड अंतिम आंकड़े जारी करेगा। ठीक है, यानी कि अभी जो 10 दिसंबर तो हो चुका है सर, ले अभी तक आंकड़े जारी नहीं किए हैं, यह जल्दी ही आंकड़े जारी करने वाला है। ठीक है दोस्तों, यह फाइनल आंकड़े हैं कि 24 लाख कैंडिडेट में से लगभग 20 लाख तो यहाँ पर कन्फर्म है, यानी कि जो कि यहाँ पर होने वाले कैंडिडेट होने वाले हैं, 21 से 22 लाख विद्यार्थी यहाँ पर परीक्षा देने बैठेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यहाँ पर इनका अनुमान है कि कम मुकाबला रहेगा, हालांकि यह अनुमान के मुकाबले कम है। ठीक है, इसके दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर। यह दोस्तों कम आवेदन आए हैं, इनकी वजह वह मानी जा रही है कि अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए पिछली बार के मुकाबले 10 दिन कम दिए गए। ठीक है, यानी पहले 10 दिन ज़्यादा दिए गए थे, लेकिन इस बार 10 दिन कम दिए गए हैं, इसलिए इतने आवेदन कम आए हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर परीक्षा की। तो दोस्तों, जनवरी में इन पदों की भर्ती के लिए अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पर आवेदन होने वाले थे दोस्तों, यह जनवरी में पहले इसमें आवेदन कर चुके हैं दोस्तों, इसी के वजह से यहाँ पर यह आवेदन दोबारा नहीं करे हैं, यानी कि जो पिछली परीक्षा थी उसमें उसके अभ्यर्थी इसमें ज़्यादा रुचि नहीं दिखा रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं अपन परीक्षा की। दोस्तों, जनवरी में परीक्षाएँ कराई जाएंगी। ठीक है, इसमें जनवरी में परीक्षाएँ कराई जाएंगी, और यदि जून तक यहाँ पर परिणाम जारी कर दिए जाएंगे, यानी कि जनवरी में परीक्षा के बाद जून में यहाँ पर रिजल्ट घोषित किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यह कंफर्म है बोर्ड की तरफ से कि वह जनवरी में ही एग्जाम करा देगी, और जून में तक इसका रिजल्ट भी घोषित कर देगी। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों बोर्ड के चेयरमैन GP शर्मा का कहना है कि
पूर्व निर्धारित समय पर परीक्षाएं कराने के प्रयास किए जा रहे हैं, यानी कि जो समय पहले से निर्धारित किया गया था उस समय पे ही यहाँ पर एग्जाम कराने की पूरी पूरी प्रयास किए जा रहे हैं। यदि प्रयास सफल हुए तो निर्धारित समय अनुसार ही यहाँ पर परीक्षा कराई जाएगी। तो दोस्तों जल्दी से, आप ओनली 1 महीना ही यहाँ पर बचा हुआ है आपके पास, अच्छे से आप तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।